गाइज अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज के ब्लॉग में आप लोग देखोगे गोगा मेडी। अभी मैं गोगा मेडी के रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ, अभी चलते हैं गोगा मेडी तो वहाँ के दर्शन कराता हूँ। और पिछले ब्लॉग में आपने पूरा साधु शहर से हम आए थे घर से हनुमानगढ़ भी दिखा था और अब गोगा मेडी स्टेशन पर आए हैं तो पीछे का पूरा आने का दिखा था आपको। इस ब्लॉग में आप पूरा गोगा जी के दर्शन करोगे गोगा मेडी के, पूरे मस्त ब्लॉग बनाने वाला हूँ आज, तो इसे देखना, चलो दिखाता हूँ। तो गाइज अभी आ चुका हूँ गोगा मेडी, आप लोग देख पा रहे हो अभी हम जाने वाले हैं। पहले हम जाएंगे गोरख टिल्ले और उसके बाद में चलेंगे गोगा मेडी। और गोरख टिल्ले आपको रूपनाथ जी का पार्क देखने को मिलेगा। तो अभी आ चुके हैं गोगा मेडी, तो हमने स्टेशन का व्यू देख रहे हो मस्त है। अभी चलते हैं गोरख टिल्ला और ये रेलवे स्टेशन है। तो गाइज अभी आपको गोगा जी के गोरखनाथ टिल्ले लेके जा रहा हूँ आपको। तो गोगा मेडी आ चुके हैं और अभी से स्टार्ट होता है यहाँ का मेला और बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये ब्लॉग देख रहे हो आप, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मस्त फुल भीड़ है फुल। गाइज अभी गोरख टिल्ले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है आप लोग देख पा रहे हो। तो अभी मैं वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ तो आपको दूर दूर दिख रहा है, इससे क्या होता है बड़ा व्यू दिखता है और बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखती है आपको। और अभी जा रहे हैं गोरख टिल्ले, तो फुल भीड़ है फुल रश है और फुल दुकानें सजी हुई है आप लोग देख पा रहे हो।
गाइज अभी खड़ा हूँ गोरख टीले और आप लोग देख पा रहे हो, तो अंदर तो फोन अलाउ नहीं है वीडियो बनाना, तो मैं बार बार की बना रहा हूँ। और ये सामने हम लोग दिख रहा है गोरख टीला और फुल ज़्यादा भीड़ है। और गोरख टीले फुल भीड़ है, आप लोग देख पा रहे हो, ये गोरख टीला है आप लोग देख पा रहे हो। तो गाइज अभी मैं घूम रहा हूँ गोरख टीले और अंदर से अच्छी तरह धोखा लगा लिया है, पर मैं दो तीन चीज़ें आपको नहीं दिखा पाया, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता ना, तो वीडियो में फ़ोटो नहीं खींचने देते, तो हल्की फुल्की मैंने बाहर की वीडियो बनाई है। और अभी मैं गोरख टीले हूँ और ये देखो इधर तालाब है, और अभी आप रूपनाथ जी का पार्क भी देखना, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो इस ब्लॉग में बस गोरख टीला देखने को मिला है आपको, और आगे और दिखा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, इधर ये पार्क आ गया, साथ में ये तालाब आ गया, आगे चलते हैं, उधर भीड़ काफ़ी है। तो गाइज ये है जहाँ पर शेर का मुख बना हुआ है, तो इसके अंदर गुरु गुरुनाथ ने तपस्या की थी, तो इसके अंदर तो फ़ोन को बढ़ने नहीं देते, तो पहले ही रोक देते हैं, तो इसके अंदर कोई मूवी अलाउ नहीं है, तो चलान काट देते हैं। तो ये पूरा आप लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पर गुरु गुरुनाथ ने पूरा नौ नाथ है, उन्होंने तपस्या की थी, इसके अंदर है बना हुआ है, तो वो अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं दिखा रहा, तो मेरा फ़ोन जब्त कर लेंगे। दो तीन चीज़ें यहाँ पर अलाउ नहीं होती, बाकी सारा ये एरिया खुला है, यहाँ पर हम फोटोशूट बाहर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से नहीं ले सकते। और आप लोग ये पूरा ये देखो, ये गोरख टीला है पूरा, आप लोग देख पा रहे हो, उधर चलते हैं हम। और ये सामने रूपनाथ जी का पार्क आ गया, और ये सामने तालाब आ गया, और इसके अंदर लाओ नहीं है, बाकी अंदर से मस्त आई है, तो कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी, अंदर से बनाई। गाइस आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैं घूम रहा हूँ गोरख टीले, तो यहाँ का मस्त व्यू है, तो तालाब में पानी नहा रहे हैं, तो देखते हैं थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा तो ध्यान से बनाते हैं। अब की बार अच्छा मेला भरा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हम फैमिली मेम्बर साथ में आते हैं, मम्मी पापा तीनों साथ में आते हैं, मस्त ब्लॉग बनाते हैं साथ में, फैमिली के साथ में ब्लॉग बनाने का अलग ही मज़ा आता है। और आपके बैक पीछे में तालाब है, वो भी दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा गोरख टीला है, चलो दिखाते हैं।
अभी आ चुका हूँ मैं तालाब पे, और ये देखो ये तालाब है, तो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं यात्री वगैरह, तो आप लोग यहाँ पे स्नान कर सकते हो। ये आपको गौर किले में मिलेगा, तो आप देखो काफ़ी जने यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। मंदिर में कुछ चीज़ें थी जहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाने देते, तो मैंने नहीं बनाया, फिर फोन मेरा रख लेते हैं ना, जबत कर देते हैं। तो ये देखो मस्त व्यू आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नहाना ना, आपको स्नान करना है तो आप यहीं आओ, गुरफिल ले आओ, उसके साथ में है। और जो सामने आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये पूरा रूपनाथ जी का पार्क है, तो यहाँ पे मस्त जगह है बैठने के लिए, आप खाना वगैरह खा सकते हो, तो आपके साथ में लेके आओ ना, वो खा सकते हो और रेस्ट भी कर सकते हो, और पूरा फ्री है, कुछ ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर भी नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो। अभी मैं खड़ा हूँ गोरखनाथ टिल्ले, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज के ब्लॉग में मैंने आपको गोरखनाथ टिल्ला दिखाया है, तो पूरा दर्शन करा दिए हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखना आप लोग रूपनाथ जी का पार्क, बड़ा सुंदर पार्क है, तो वहाँ पे दूर से ऐसा दिखता है भी लकड़ी का है पर वो पत्थर का है, तो मस्त देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में देखना, और इस ब्लॉग में मैंने आपको गोरख टिल्ला दिखा दिया है। हम रेलवे स्टेशन से चले थे गोगा मेडी के, तो यहाँ पर सीधा गोरख टिल्ले आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखो दुकानें वगैरह मेला वगैरह अच्छा सजा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो, यात्री वगैरह काफ़ी आ चुके हैं, मेले वगैरह भर रहे हैं, तो आप लोग आ सकते हो, तो आप लोग देख पा रहे हो। तो इस ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ, और ये आप ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चलो ब्लॉग अच्छा लगे जयकारा लगा देना गुरु गोरखनाथ का। तो अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे, जो बनाएंगे रूपनाथ जी का पार्क है यहाँ पे मस्त, उसका बनाते हैं, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।